घटित हुए घटना की चर्चा हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिरों पर कातिलाना हमला की घटना हो, ये सारे घटना एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दो पहलू रखता है मेरे नजर में। एक तो भारत पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, पूरी दुनिया में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जिस तरह से उनकी जुबान चुप हो जाती है जब खरगोन में, मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस में कातिलाना हमला करता हो, नंगे तलवार लेके जाए और एसपी रोके तब तक दूसरा व्यक्ति उसी पर गोली मार दे, वो तो बच गया। इतना बड़ा हम हिम्मत, मुर्तुजा नाम करके व्यक्ति जो आईआईटी का लड़का हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मठ पर आतंकी हमले करता हो और अखिलेश यादव जैसे लोग कहते हो कि उसकी दिमागी हरकत है। राजस्थान के करौली में जिस ढंग से रामनवमी के जुलूस पर और उसी तरह से दिल्ली के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला, ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना। और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है?